कर्नाटका में इनकी ताईदी पार्टी का एक उम्मीदवार है, उसका नाम शायद क्या है, प्रज्वल रेवन्ना कुछ नाम है उसका, जेडीएस पार्टी का है, उसका नाम देखिए वरना ये लोग बोलेंगे नाम गलत बोल दी। हाँ, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। अब ये प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना ने उन्होंने 2000 वीडियो बनाए। किसके वीडियो बनाए? उनके घर में काम करने वाली औरत का वीडियो, जिसको जिंसी इस्तेसाल बोलते हैं। 2000 वीडियो घर में काम करने वाली एक 70 साल की बूढ़ी, उसका वीडियो बनाया। उसमें पुलिस में कोई ऑफिसर है उसका वीडियो, कोई टीवी के एंकर है उनका वीडियो, कोई गवर्नमेंट के ट्रांसफर के लिए आए आप उनका वीडियो बना लिए। 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। अब आप बताइए उस शख्स के लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे, नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है और हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी आप भूल गए कि जिस शख्स के लिए आपने वोट पूछ रहे हैं उसने 2000 ऐसे गंदे वीडियो बनाए, 2000 वीडियो बनाए उसने। गरीब बिचारी औरत परेशान है, मजलूम है, तकलीफ में है, तो इस कमीने ने, इस जालिम ने उनका इस्तेसाल किया और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगने गए थे। और हद तरफ तमाशा यह है कि वो जब वीडियो निकले रातों रात जर्मनी भाग गया, रातों रात जर्मनी भाग गया। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे नारी शक्ति, नारी शक्ति। नरेंद्र मोदी बोल रहे मैं मुस्लिम खवातीन का भाई हूं, मैं नकोरे बाबा थे, तू तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए हमारे को। आप जिस पार्टी के उम्मीदवार की ताईद में गए, अच्छा हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि ये ऐसी हरकत करता है, गंदी हरकत, इसके वीडियोस हैं, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने जाकर उसके लिए वोट मांगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे? देश का वजीर आजम है एक गंदे आदमी के लिए, यह सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, वो बेटी हिंदू की भी है, मुसलमान की भी, कमजोर है भाई, आप उसका इस्तेसाल कर रहे हैं और मोदी बोल रहे हैं उसको, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। देश के वजीर आजम, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास रॉ है, आपके पास हर चीज है, आपको सब मालूम था कि ये शख्स जलील है, गंदा है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तब भी आप जाकर उसके लिए वोट मांगे। ये वजीर आजम क्या कर रहे हैं बताइए आप, और बोलते नारी शक्ति, नारी शक्ति। अरे काय की नारी शक्ति? नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे काय का रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेसाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। बताओ बीजेपी वालों, बताओ बीजेपी वालों, आप क्या करेंगे इस बारे में, आप क्या करेंगे इस बारे में? अरे चुल्लू भर पानी में आप लोगों को डूब मरना चाहिए। आप कल बोल रहे हैं नहीं हम उसको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड करने का मतलब यह नहीं है, क्या मोदी वजीर आजम रहते हुए उसके लिए वोट कैसे मांगा? इससे बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और पार्टी हमेशा ऐसे लोगों की ताईद करती है, ऐसे गंदे किस्म के लोगों की ताईद करती आ रही है। इनका अलाइज है, इनकी ताईदी पार्टी का उम्मीदवार है। अब कल उस वो फैसला करेंगे हम उसको निकाल दिए। अरे जर्मनी कैसे भागा भाई उन्हें? अच्छा अब थोड़ी देर के लिए सोच लो आप, अगर ये हरकत मुसलमान करता तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, अगर उन्हें ये करता, अच्छा आप ये टीवी चैनल पे देख रहे हैं आप, ये मैं जो बोल रहा हूं ज्यादा नहीं आ रहा, अगर उसका नाम अब्दुल होता तो टीवी चैनल वाले ऐसा चीखा मारते, पैसा चीखा मारते, बाबा बाबा बाबा, ऐसा दिखता कि वाकई में कुछ हुआ है, मगर अब सन्नाटा है। आज एक एफआईआर रजिस्टर हुआ, 2000
खवातीन का इस्तेसाल किया इस शख्स ने और मोदी उसकी ताईद में वोट मांगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखो क्या हो रहा है इस मुल्क में, देखो क्या हो रहा है। कल तक दलितों की बच्चियों को पीटा जाता था, उनकी इज्जतों से खेला जाता था, फिर आसिफा, फिर बिल्क, पहले बिल्किस बानो आसिफा, अब क्या हो रहा है देखो आप। बीजेपी जो बोलती नहीं 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 हम ऐसी पार्टी नहीं, अरे कहां आप तो ताईद कर रहे हैं उसकी। नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ेगा, देश के सामने बयान करना पड़ेगा। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह को आकर बोलना पड़ेगा इस बारे में, क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है भारत की खवातीन से। अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक यूएपीए लग जाता, एनआईए आ जाती, और क्या बोलते उस पर, ये लव जिहाद है, बोलते ना ये लव जिहाद है। ये क्या कर रहा है, ये तो अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, अरे क्या बोलूं उसको। एक अवामी जलसे में खड़ा हुआ हूं, जब मैं पढ़ा और लोग मुझे जो देखकर बताए, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, कोई ऐसा भी करता है क्या, एक मजबूर मजलूम औरत का इस्तेमाल, और वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कितना गंदा आदमी होगा। और आप जाकर हमारे देश के वजीर आजम, 56 इंच का सीना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, मैंने इस गंदे आदमी के लिए वोट मांगा, बोल दो।